श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, अभी हम एक रेसिडेंस की एक विजिट कर रहे हैं। यह फर्स्ट फ्लोर है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो पूरी एंटी क्लॉक सीढ़ियाँ बनी हुई है, यानी जो स्टेयर केस है ये फर्स्ट फ्लोर से टेरेस पे जा रही है, वो एंटी क्लॉक है। वास्तु के अंदर क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक सीढ़ियों का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। क्लॉक वाइज जब सीढ़ियाँ हम चढ़ते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो कहीं उसमें एकदम अच्छा रिजल्ट मिलता है हमें। श्वासोच्छ्वास की क्रियाएं भी अच्छी रहती है, ब्लड प्रेशर में भी हमें अच्छा उसमें रिजल्ट मिलता है। इस मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर हम उल्टे हाथ पे जब भी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ पे हम वास्तु की ये टॉपिक को भी कंसिडर करेंगे, यानी यहाँ पे हम स्ट्रेट सामने जाते हुए एक स्वस्तिक लगाएंगे जिससे वो नेगेटिविटी फील ना हो। प्लस यहाँ पे हम दो कछुए का उपाय कर रहे हैं और ये सीढ़ी जो ब्रह्मस्थान से बनी हुई है ये भी एक वास्तु के अंतर्गत एक बहुत ही बड़ी समस्या है। हमेशा ब्रह्मस्थान एनर्जी को उत्पन्न करता है, ब्रह्मा का स्थान जहाँ एनर्जी जन्म लेती है। जिस तरह से ये विश्व का जन्म, ये विश्व को जो सर्जन है वो ब्रह्मा भगवान सर्जन हार है, इसी तरह ये विश्व के जो सर्जन हार है ब्रह्मा भगवान है, उसी तरह हमारे वास्तु के अंदर जो शक्तियाँ क्रिएट होती है, एनर्जी क्रिएट होती है, जन्म लेती है, उत्पन्न होती है, वो ब्रह्मस्थान में से होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रह्मस्थान में एग्जैक्टली ये स्टेयरकेस आ गई है जो बहुत बड़ा वास्तु दोष है। या हमें हेल्थ इश्यू में हेल्थ की बीमारी यानी पेट से संबंधित बीमारी आएगी और कई तरह की प्रॉब्लम्स आएगी। बिजनेस के अंदर रुकावट आएगी, बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, घर में इश्यू रहेंगे, रिलेशनशिप डिस्टर्ब रहेगी, हमारे कोई भी काम बनते बनते अटक जाएंगे क्योंकि वास्तु के अंदर 16 जोन के अंदर यहाँ से उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ जाने वाली है तो वो अपना रिजल्ट हमें नहीं देगी, यानी उनके गुणधर्म हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये कछुआ हम किस तरह से रखने वाले थोड़ा गाइड कीजिए। आ जाओ, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने थोड़ा मेशन वर्क करके यहाँ पे खड्डा बनाया हुआ है और यहाँ पे आपको कछुआ की स्थिति से रखेंगे। ये जो पोर्शन है उसको राइजर कहते हैं, ये स्टेप। तो स्टेप पे हमेशा वो पाँव रखते हैं और ये स्टेप, ये राइजर की बदौलत रेस्ट होता है। तो यहाँ पे हम कछुआ यहाँ पे रखेंगे, एक कछुआ रख के दिखाइए। ये देखिए, ये एग्जैक्टली कछुआ, आधा कछुआ राइजर के अंदर जाएगा। ये छोटी सी बात इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं, कभी आप ये अपना करेंगे खुद तो आपको ये पता चलेगा। यहाँ पे भी एक रख के दिखा दीजिए, आधा कछुआ स्टेयरकेस के अंदर। बस यही यहाँ इम्पोर्टेंस है कि कछुए को किस तरह से स्थापित करना है। अब यहाँ पे कछुआ निकाल दीजिए और नागरवेल के पान रख दीजिए, यानी ये राइजर के अंदर कछुए दोनों जाने चाहिए। कोई बात नहीं, अब आप वो कछुआ ले लीजिए और आप सर पान रख दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ हम नागरवेल के पान रखेंगे जो पान की दुकान से आपको प्राप्त हो जाएंगे। पूरी अच्छी तरह यहाँ पे पान की एक बेडशीट तैयार होगी, ये इस तरह से नागरवेल के पान। कोई बात नहीं, 5-6 इसमें कोई ऐसी गिनती नहीं है, पर आप करो आपके हिसाब से। दोनों तरफ ये पान रखे जाएंगे। ये एक श्रद्धा का विषय, जिस तरह से ओनर दोनों कपल पति पत्नी इस तरह से अगर ये काम कर रहे हैं तो 100% ईश्वर इनके आगे उनको 100% रिजल्ट देगा। वास्तु पुरुष यहाँ पे खुश होंगे, वास्तु देवता प्रसन्न होंगे और यहाँ की हर तरह की प्रॉब्लम सोल्व होगी, ऐसी हम आशा रखते हैं। अब ये रख दीजिए। ओम नमः वास्तु देवताय नमः, ओम वास्तु देवताय नमः, ओम वास्तु देवताय नमः, ओम वास्तु देवताय नमः, ओम वास्तु देवताय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहाँ पे हमने कछुए रख दिए है, अब यहाँ पे फूल रखेंगे। आप फूल की पंक्तियाँ इसमें धीरे धीरे डालिए, थोड़ा वो जल डाल दीजिए, जल लेके आए ना, थोड़ा पहले जल डाल दीजिए, शुद्ध शुद्ध हो जाएगा स्थिति। ओम वास्तु देवताय, ओम वास्तु देवताय नमः, ओम वास्तु देवताय नमः,
ओम वास्तु देवताय नमः, ओम वास्तु देवताय नमः, ओम वास्तु देवताय नमः, ओम वास्तु देवताय नमः, ओम वास्तु देवताय नमः। अब फूल डाल दीजिए फ्रेंड्स। इस तरह से यहाँ पे हमें पूरी श्रद्धा, लगन और हमारी कहते हैं ट्रस्ट और फेथ ही पावर ऑफ वास्तु है। वास्तु का जो पावर है वो डिपेंड है आपके ट्रस्ट और फेथ पे। जितना आप ट्रस्ट रखेंगे छोटी छोटी रेमिडीज पे, तो उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि एक कन्फर्म है कि आप सीढ़ियाँ नहीं हटा पाएंगे। सीढ़ियाँ हटाने के लिए जो हमारा पैसा लगने वाला है और उससे बड़ा के स्पेस, घर में स्पेस ही नहीं है कि जो हम सीढ़ियाँ हटा सके। तो यहाँ पे यही हमारे पास उपचारिता के तौर पे हमारे पास रास्ता है कि यही उपचार कर पाएंगे, यही सॉल्यूशन और यही समस्या का निवारण है। अब आप इस पे अच्छी तरह फूल चढ़ा दीजिए और भगवान का मन में नाम लीजिए कि आपके घर के अंदर हर तरह की जो भी वास्तु संबंधित समस्या है उनका तुरंत निवारण हो और हमारे निरोगी जीवन प्राप्त हो। घर में से बीमारी, कलेश, आर्थिक संकट, शारीरिक तकलीफ, रोग विकार और शुभ कार्यों में जो भी तरह का विघ्न आ रहा है वो विघ्न दूर हो और हमारा धंधा और हमारा जो कहते हैं पेशा, हमारी रोजगार, उसमें दिन में दोगुनी और रात में चौगुनी प्रगति हो। हमारी मेहनत के अनुसार हमें ऐसा फल प्राप्त हो जो फल हम हमारी सात पीढ़ी वो फल को खा सके, यानी ऐसी शुद्ध लक्ष्मी हमारे घर में आए कि कोई भी प्रकार की समस्या ना रहे। अब आप थोड़ा कंकु और वो छाट दीजिए, हाँ दे दो, दे दीजिए, आप दे दीजिए, इनको दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओम श्री वास्तु देवताय नमः, ओम श्री वास्तु देवताय नमः, ओम श्री वास्तु देवताय नमः। बस बस बस, अब चोखा और अक्षत भी चढ़ा दीजिए और फिर मिट्टी थोड़ी सी। फ्रेंड्स इस तरह से ये पूरी हमारी विधि विधान परफेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आशा करते हैं आपके घर में या आपके रिलेटिव्स में किसी को भी ब्रह्म स्थान में सीढ़िया हो, नॉर्थ दिशा में सीढ़िया हो, पूर्व दिशा में सीढ़िया हो, अग्नि कोण में सीढ़िया हो, स्टेयर केस हो या ईशान कोण के अंदर हो, तो आप इस तरह का एक तो पहले आप वहाँ से सीढ़िया हटा देंगे तो वो एकदम परफेक्शन होगा, परफेक्ट वास्तु होगा। पर अगर नहीं हटा पा रहे तो श्रद्धा भाव से किया हुआ ये कर्म भी 100% रिजल्ट देता है। बस आपका फेथ, जिस फेथ से यहाँ पे इस घर के गृह स्वामी हमारे यजमान लगे हुए हैं, यही फेथ दिखाता है कि उनको आने वाले दिनों में बहुत बड़ी एक सफलता प्राप्त होगी, अगर वो सफलता का बंधन वास्तु है तो। क्योंकि कई बार होता है कि जब भी हमारा बिजनेस नहीं चलता तो हमें चेक लिस्ट बनानी है कि मेरे को जॉब में क्यों सफलता नहीं है, बिजनेस में क्यों सफलता नहीं। आप चेक लिस्ट बनाएंगे तो वहाँ पे जब पॉइंट लिखेंगे तो वहाँ पे वास्तु एस्ट्रोलॉजी आके खड़ा रह जाएगा, वो चीख चीख के कहेंगे कि हमारी तरफ भी फोकस कीजिए। अब ये मेरी पूरी विधि यहाँ पे फिनिश हो रही है जो आपके सामने समक्ष हमने वीडियो के तौर पे बनाई है। पूरा लाइव है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ पे आपको समझ ना आए। तब आप इसको मिट्टी को रख दीजिए। ओम श्री वास्तु देवताय नमः। अब यहाँ पे हम वापस सीमेंट से यहाँ पे ये जो मार्बल कट किया हुआ है ये पीसेस यहाँ पे हम वापस लगा देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।